तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैच नंबर 33 इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच ये मैच होने वाला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ये वही स्टेडियम है जहां पे कि 2011 में यही दो टीमों के बीच हुआ था वर्ल्ड कप का फाइनल। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या इस मुकाबले में आपको उलट फिर देखने को मिल सकता है, क्या इंडिया की टीम इस मुकाबले को हारेगी, या फिर रोहित शर्मा या विराट कोहली कौन सा होगा वो खिलाड़ी जो कि इस मैच में आपको डबल सेंचुरी मारते हुए दिखाई देने वाला है। इस वर्ल्ड कप की क्या आपको पहली डबल सेंचुरी मिलने वाली है, कितना होगा टारगेट, क्या होगी पिच रिपोर्ट, क्या होगा मैच का रिजल्ट, टॉस विनर, मैच विनर, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने अब तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लगातार जैकपॉट हासिल करने के लिए, सेशन के लिए, टॉस अपडेट के लिए, बीबीएल के टॉस अपडेट के लिए, जी हाँ बीबीएल का भी टॉस आपको मिल जाएगा वुमेन्स वाला, तो बीबीएल में टॉस अपडेट के लिए और इसी मैच में सेशन ट्रेडिंग ड्रीम इलेवन टीम के लिए अभी जाइए, फ्री में मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्लिक करना और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओगे। बात करते हैं मैच की, डेट की बात करते हैं, 2 नवंबर दिनांक रहेगी और दिन रहेगा गुरुवार का। यदि बात करते हैं दोस्तों टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया का दोस्तों जो स्वामी है वो शुक्र स्वामी है। आज के दिन गुरुवार मतलब कि नेगेटिव पॉइंट। और यदि बात करते हैं रोहित शर्मा का स्वामी शुक्र है। अगेन टीम इंडिया का लकी नंबर भी 3 है, तो आज का लकी नंबर 2 है, पॉजिटिव पॉइंट टीम इंडिया को। कप्तान रोहित शर्मा की बात करते हैं, शुक्र स्वामी नेगेटिव पॉइंट बट लकी नंबर 3 अगेन पॉजिटिव पॉइंट, मीन्स इंडिया के पास में आपको 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है। यदि बात करते हैं श्रीलंका की, शनि स्वामी है और नेगेटिव पॉइंट जाएगा और इनका लकी नंबर है दोस्तों 9 और आज का लकी नंबर है 2, अगेन नेगेटिव पॉइंट। यदि बात करते हैं कप्तान कुशल मेंडिस की, इनका बुध स्वामी है, नेगेटिव पॉइंट, इनका लकी नंबर 2 है पॉजिटिव पॉइंट, मीन्स यहाँ पे दोस्तों लंका के पास आपको मिलेंगे 1 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। बट यदि यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो मुंबई की पिच रिपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे गेम्स होते हैं दोस्तों हाई स्कोरिंग, और हाई स्कोरिंग गेम्स होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो बैटिंग, एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पे दोस्तों जो बैटिंग करती है टीम फर्स्ट वो बनाती है 302 रन का एवरेज स्कोर। जी हाँ 300 यहाँ बना हुआ है एवरेज स्कोर, बट बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों में ही यहाँ पे चांसेस रहते हैं विनिंग करने के, मतलब डिफेंड भी होता है और चेज भी होता है। यदि बात करते हैं यहाँ पे हाइस्ट टोटल की, तो यहाँ पे 438 का बना हुआ है हाइस्ट टोटल, और हाइस्ट चेज की बात करते हैं तो 277 यहाँ पे है हाइस्ट चेज। बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आज बैटिंग सेकंड जो टीम करेगी मैच को वो जीतने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेस होने वाला है। यदि बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस रिकॉर्ड की, टीम इंडिया की बात को लेते हैं, वैसे वर्ल्ड कप में इंडिया और लंका के बीच 10 मैच हुए हैं, 10 में से जीता है ना इंडिया 9 और 1 में जीत मिली है लंका को। यदि बात करते हैं दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस की, पिछले 5 मैच में से लंका जीती है सिर्फ 2 मैच और इंडिया पिछले 5 में से 5 मैच जीत के आ रही है, मतलब कि इंडिया की फॉर्म बहुत जबरदस्त चल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी फैंटेसी प्लेयर कौन से होगी जो कि आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स लाके देने वाले हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आज आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा, अगर स्पेशली इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो टॉस विनर बता दो आपको, टॉस विनर जो रहने वाला है इस मुकाबले में, हमारी टीम इंडिया इस मुकाबले में टॉस को जीतने वाली है। यदि बात करते हैं दोस्तों विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको विराट कोहली स्पेशली, अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो रोहित शर्मा और इंडिया सेकंड बैटिंग करती है तो विराट कोहली, ये 2 कंडीशन ध्यान रख लीजिए, दोनों में से 1 सेंचुरी आपको कन्फर्म मिलने वाली है, अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट तो रोहित शर्मा, इंडिया बैटिंग सेकंड तो विराट कोहली। यदि बात करते हैं और परफॉर्मर की, तो यहाँ पे आपको शुभमन गिल की बैटिंग काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। और एक और बात करते हैं यदि यहाँ पे गेंदबाज की, तो अगेन फिर से आपको मोहम्मद शामी गेंदबाजी अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। और यदि बात करते हैं लंका में से, तो आपको यहाँ पे श्रीलंका की टीम में से कुशल मेंडिस कप्तान का लकी नंबर आज 2 है, तो ये भी अच्छी खासी बैटिंग करने वाले हैं। कुशल मेंडिस के बाद दोस्तों महेश तीक्ष्णा की बॉलिंग, सॉरी ये तो स्पिन ट्रैक नहीं है, मुंबई की पेशा में फास्ट बॉलिंग जो है वो काम करती है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दोस्तों कुशल मेंडिस के बाद गेंदबाजी की बात करते हैं, तो गेंदबाजी में आपको लंका के जो चमीरा है, दुष्मंता चमीरा, इनकी जो गेंदबाजी है काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। और एक और खिलाड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम दोस्तों लेते हैं चरित असलंका को, ये भी अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स देने वाले हैं। कुल मिला के मैच तो वैसे इंडिया जीतने वाली है, जी हाँ ये मैच इंडिया जीतने वाली है, बट कहीं ना कहीं ये मैच में आपको लंका की टीम टक्कर देते हुए दिखाई देने वाली है, मैच काफ़ी अच्छा होगा और इंडिया इस मैच में जीतने वाला है। और बात करते हैं खिलाड़ी की, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों में से एक प्लेयर आपको सेंचुरी मारते हुए आज दिखाई देने वाला है, और हाई स्कोरिंग गेम्स हो सकता है, इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यहाँ पे 350 या 350 प्लस स्कोर करने वाली है, और टीम इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करे तो भी जीतने वाली है, इंडिया बैटिंग सेकंड करे तो भी जीतने वाली है। तो इसी मैच में ट्रेडिंग करना है, बीबीएल बिग बैश लीग का मैच चाहिए तो टेलीग्राम पे आना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।